प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ की लागत से चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 129 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम यादव ने कहा कि चित्रकूट वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री राम ने वनवास के 11.5 वर्ष व्यतीत किए। ऐसे पवित्र धाम को मैं प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे लिए गर्व की बात है, तुलसीदास जी ने जब बोला वो काल हमारा नहीं था, वो काल भी मुगल सत्ता का काल था, लेकिन मुगल सत्ता के काल में हमारी सनातन संस्कृति ना पहले झुकी ना तब झुकी, और अब तो समय नरेंद्र मोदी जी का इसका आनंद ही क्या छोर है। बोला अयोध्या वाले अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। अब बदलते दौर में बदलते समय में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, ऐसे बदलते समय में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान राम के इस देवस्थान को, हमने तो सरकार बनने के बाद ही निर्णय किया है कि हाँ हमको हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व है, हाँ हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, हाँ हम इनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने कहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे।